उस काले दिन को मैं जब याद करूं, सबसे पहले तो ये भाजपा की जो सरकार है ये कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ती है कि जिस दिन उसको काले अक्षरों से ना लिखा जाए। लेकिन तब भी वो रात जिस दिन मैं कहूंगा जब से आजाद भारत में इतिहास में पहली बार लाइब्रेरी के अंदर जाके अगर कभी छात्रों को पीटा गया तो वो पहली बार जामिया में पीटा गया। ये आजादी के बाद इतिहास में पहली बार हुआ है। हम क्या मांग रहे थे? एनआरसी और जो इस तरीके से ये कैब, ये जो तानाशाही बिल लेके आए हैं, और जिस बिल का असली मकसद ये है कि ये हम दोनों को दूर कर सके, ये इस देश को बांट सके। लेकिन मुझे बड़ी गर्व से कहना पड़ता है, उल्टा इस बिल ने हमें और पास लाने का काम किया है। इस बिल ने इस तानाशाही की सरकार को, इस संघ की सरकार को, बीजेपी की सरकार को बता दिया है कि ये इस बिल के खिलाफ कोई एक दल नहीं खिलाफ है, पूरा देश इसके खिलाफ है। और आज इस देश के छात्रों ने बता दिया है कि छात्रों को कोई धर्म और जात नहीं होती। आज इस सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो आगे क्या करे। पीछे करो ना साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं लंबा भाषण आप लोगों के बीच में नहीं दूंगा। एक कहानी सुनाना चाहूंगा, वो 2 मिनट की कहानी है और वो कहानी बिल्कुल आज के दौर पर आती है। साथियों, जिस तरीके से आप लोगों ने गलत को गलत और सही को सही कहने का काम किया, मैं उस जज्बे को आपको सलाम करता हूं। पुराने समय में एक गांव था, उस गांव में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? उस आग को बुझाने के लिए, इधर आ जाए छोटे बच्चे, हेलो, ये रख दे नीचे। ऐसा छोटा बच्चा उस आग को बुझाने का काम करता है, ऐसा छोटा बच्चा। उसके हाथ इसकी तरह से नन्हे होते हैं, छोटे से। तो गांव के कोई बुजुर्ग लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो उनके बीच में आकर कहते हैं कि तू पागल हो गया क्या, क्या छोटे से हाथों से गांव की आग बुझेगी क्या? तो वो छोटा बच्चा कहता है कि शायद हाँ, मेरे इन छोटे से हाथों से गांव की आग ना बुझे। जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए, ना कि आग में जलते हुए गांव की जलने वालों में। तो उसी तरीके से आप सबका नाम, जामिया का नाम, हर एक छात्रों का नाम जो इस कैंप के खिलाफ, जिस एनआरसी के खिलाफ लड़ रहे, उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि जब ये संगी, जब ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले इस देश में आग लगाने का काम कर रहे थे, तो आप लोग उस आग बुझाने का काम कर रहे थे। इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। आज इनके पास लोकसभा में और राज्यसभा में ज्यादा तादाद में एमपी हो सकते हैं। आज शायद हम भी, हमारी पार्टी भी है, उसके पास एमपी कम हो, लेकिन कल इतिहास लिखा जाएगा। बेशक हमारे पास एमपी हो या ना हो, हम खुद एमपी हो या ना हो, लेकिन हम फकर से उस टाइम कह सकेंगे कि जब उस सरकार ने तानाशाही करनी चाहिए थी तो उस तानाशाही के खिलाफ हमने जमकर लड़ाई लड़ी थी। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस तरीके से ना केवल अब ये लड़ाई आपकी नहीं रह गई है, ये लड़ाई केवल जामिया की नहीं रह गई है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। और इस देश की लड़ाई को हम इसी तरीके से लड़ेंगे। और मैं अंत में फिर से ज्यादा ना बोलते हुए
अपने संगठन की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जहां जहां पर भी जामिया के बच्चों का या जहां जहां पर भी एनआरसी की जो तानाशाही का जो ये कानून लेके आए हैं, जहां जहां पर भी छात्रों का पसीना बहेगा, हमारा वहां पर खून का कतरा बहेगा। मैं अंत में फिर से आप लोगों से निवेदन लेना चाहूंगा, एक नारे की आवाज आप लोगों को जोर से देनी पड़ेगी। एक नारा मैं और दूंगा आपके, आप लोगों को नरेंद्र मोदी का नाम लेना है। मैं जो भी नारा बोलूंगा आपको नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। दलित विरोधी, दलित विरोधी, शत्रु विरोधी, शत्रु विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, महिला विरोधी, संविधान विरोधी, संविधान विरोधी, संविधान विरोधी, देश विरोधी, देश विरोधी। जय हिंद, जय भारत।